हो। मिट्टी तो मत उड़ा, देख आंगन में कितनी मिट्टी उड़ रही है, ऐसे मत कर। ये देखिए जॉन सीना आ गया। अब मेरे बाल सेट करने हैं और कुछ भी नहीं। मैं भी ये कलर फिर ऐसा कोई पीला लेके आऊंगी अपने लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए 8:30 और देख 8:30 बजे तक आज मैं नहा ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आज मैंने देखी अपना सर भी धोया है। सोच रही हूँ आज मैं क्या बनाऊँ, मुझे इसको समझ नहीं आ रहा। करेले पड़े हैं, खीरे पड़े हैं, आलू पड़े हैं, टमाटर तो बहुत सारे पड़े हैं घर के, और बाकी सूखी सब्जियाँ। और तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कुछ भिगो के तो रखा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। हस्बैंड जी गए हैं नहाने के, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं बना ली हूँ दाल। दाल बना लेती हूँ, मिक्स दाल बना लेती हूँ, उसके साथ बच्चों के लिए बना लूँगी राइस। और हसन जी के बना लेती हूँ मैं उसके साथ रोटी, और अपने लिए भी दाल और राइस हो जाएंगी। मेरे लिए भी, हसबैंड जी के लिए ना रोटी बनाना जरूरी है क्योंकि उनका लंच पैक करना है ना, तो खाली चावल मतलब सिर्फ चावल और नहीं लेके जाते। तो आ गई मैं किचन में और देखी ये फ्रिज में से मैंने मतलब एक्स्ट्रा जो सब्जियाँ थी ना पड़ी हुई बची हुई वो मैंने निकाल ली है। उसको मैं एक साथ कर लूँगी, मतलब एक साथ मिला लूँगी सभी सब्जियों को और बाहर डलवा दूँगी। ये देखिए मैंने एक साथ कर लिया है। और ये कुकर है ना, इस कुकर में रात को मतलब मैं ना मेरी आँख लग गई थी और मैं जल्दी सो गई, तो इसमें से मैंने ना ये देखिए राइस बनाई थी रात को मैंने, इसके मैं निकाला नहीं था मैंने। और अभी मैं इसको ना निकाल के रख लेती हूँ, इस कुकर को धोवाती हूँ, इसके अंदर ना फिर मैं बनाऊँगी आज दाल। तो ये देखिए मैंने इसके इस बर्तन के अंदर निकाल लिया है, इसे ना भुने शीशना खा लेंगे क्योंकि जब मैं अभी दाल बना रही हूँ ना किशना, तो वो दाल खाएगा नहीं क्योंकि उसके अंदर मैं डालूँगी प्याज टमाटर और अदरक वगैरह डालती हूँ ना, तो किशना खाता नहीं है, भुनिश तो खा लेता है। तो देखिए दाल मैंने चढ़ा दी है, अब मैं गूंध लेती हूँ आटा और जल्दी से आटा गूंध के ना फिर मैं आज जल्दी से खाना बना देती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को ना आज तो हद से ज़्यादा देर हो गई है क्योंकि ना आज मैं ना सुबह सुबह ही नहा ली। ये देखिए मैंने मतलब अपना ना सर भी धोया इसलिए ना बहुत देर हो गई है, 9 बजे बज गए हैं मतलब ऑलरेडी अभी, तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। ये देखिए तो मैं इसके अंदर ये सब प्याज टमाटर और ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए इसके अंदर चॉपर के अंदर मैं इसको चॉप कर लिया मैंने। अब मैं इसको तड़का लगा के जल्दी से जल्दी अपनी दाल बना लेती हूँ खाना। देखिए अब मैं बना लेती हूँ जल्दी से चपाती, और देखिए दाल भी हमारी ऑलमोस्ट बन ही गई है। और अब मैं हस्बैंड जी को खाना खिला के उनका लंच पैक करके उनको मतलब दे देती हूँ, उनका टिफ़िन उनको भेज देती हूँ उनके काम पे। दोपहर के बज गए 12:30 और मैंने अपना खाना खा लिया है, और अब मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ अपने कल के ब्लॉग की, उसके बाद आपको मिलती हूँ। और आज ना फिर से मेरी सिस्टर आएगी, भुवनेश कृष्णा आ गए धूप में खेल के, और अभी देखिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ये रे। और मेरा ना आज से ना मतलब थोड़ा सा डाइट चेंज हो गया है क्योंकि कल मैं जो ट्रीटमेंट करा के आई थी ना वहाँ पे ना मेरा डाइट डॉक्टर ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मेरा मतलब उन्होंने ना मुझे ना शुगर बंद कर दी है मेरी, और उसके अलावा ना मुझे थोड़ा सा वॉक बताया है उन्होंने, और ऑयल भी बंद कर दिया मेरा। और इसके बाद देखते हैं थायराइड कंट्रोल में आता है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है मेरा, 1% ही। डॉक्टर का कहना है कि थोड़ा सा आप परहेज रखोगे ना तो इसे आपका थायराइड ना 1 महीने में कंट्रोल में मतलब आ जाएगा। तो देखते हैं 1 महीने में कितना फ़र्क आता है, उन्होंने जो परहेज बताया है वो सारे परहेज मैं करूँगी। और ना जब मैं मार्केट गई थी ना परसों, वहाँ से मैं एक ब्लाउज़ का पीस लेके आई थी अपने लिए, तो वो ना मैंने उस व्लॉग में आपके साथ ना शेयर नहीं किया, तो वो ब्लाउज का पीस भी मैं आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर कर दूँगी। ये देखिए कृष्णा और मैं नीचे आ गए, नीचे अलग मजा आता है ना कृष्णा और मैं तो नवरात्रे में नीचे बहुत ऐसे सोए हुए हैं ना कृष्णा, नवरात्रे में हम तो थप्पड़ पड़ जाएगा इसके पीन हटा दी देते हैं। ये जो दो पर्दे हैं ना इसके पीछे मैंने एक पीन लगा रखी है। मैं से आ रहा था क्यों आ रहा था तुझे पता है, जब यहाँ पे मैंने एक पीन लगा रखी है मैं इस पर्दे को फाड़ के आ जाऊंगा। ये देखो मेरे टांगों पे चढ़ रहा है, आ जा मैं तेरे से युद्ध कर लूंगा, तो महाभारत छेड़ दूंगा, फिर मैं रामायण छेड़ दूंगा। ओह नो, मार डाला मार डाला। और आज ना मैंने ना राइस लिए थे, दाल चावल लिए थे, पर मेरा ना खाने का मन ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। शाम को या फिर रात को जब मैं खाना खाऊंगी ना तब मैं अपने वो वाले चावल खाऊंगी। रोटी खाने का मन था तो मैंने रोटी खाई। हाँ एक मैंने ना एक चटनी भी बनाई थी, तो उस चटनी के साथ मैंने रोटी खाई है। ये रिमोट अपनी जगह पे रखो। परसों जब मैं मार्केट गई थी ना तब मैं ये ब्लाउज का पीस लेके आई थी, तो दो मैं ना अपने सूट के कपड़े भी लेके आऊंगी और मतलब फ्रॉक सूट सिलूंगी दो अपने लिए। और ये देखिए भुवनेश कृष्णा की इतनी सारी पैंट है, और इन पैंटों को मैं टाइट कर लेती हूँ, इनकी कमर में से लूज है टाइट कर देती हूँ।
शाम के बजे 5:30 और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। भुनेश कृष्णा ने बोला मम्मी चाय बना लो, तो मैं चाय बना लेती हूँ। और मेरे लिए ना मतलब फीकी चाय बनानी है। पहले मैं चाय चढ़ा दूँगी, उसके बाद मैं ना सबसे पहले अपनी चाय निकाल लूँगी, इसके बाद मैं बच्चों की चाय में ना चीनी डाल के उसको मैं थोड़ी देर और पका लूँगी। चाय का ध्यान रखो, चाय के पास खड़े हो जाओ। अरे मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, मैं आधे काम कहाँ कर रही हूँ। ये देखो गिलासें इकट्ठी करके जगह जगह गिलासें पड़ी है। भुनेश ने ना कृष्णा की जगह ले ली। ये देखो यहाँ पे कृष्णा सोया हुआ था, भुनेश ने कृष्णा की जगह ले ली, इसलिए रो रहा है। ये मैं रोज जगह लेता है, इसलिए ले मैं सोया था। इसलिए देखो इसका मुंह उतर गया है कृष्णा का। देखो शाम के बज गए 6 और 6 बजे ये लड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले कर देती हूँ कृष्णा का हेयर कट। कृष्णा ने की है सिर्फ अपनी पैंट चेंज और टी शर्ट पहनी है सेम वही। टी शर्ट भी चेंज कर लेता, पैंट चेंज कर ली सिर्फ। फिर मिट्टी तो मत उड़ा, देख आंगन में कितनी मिट्टी उड़ रही है। ऐसे मत कर, ऐसे कट मत लगा। वो मशीन चार लगा दी, पापा का करना है आने के बाद। अब कृष्णा उठा रहा है, ये पत्ते उठा रहा है ना, भुवनेश ने इकट्ठा कर दिए थे सारे पत्ते। यहाँ पे भुवनेश ने अभी झाड़ू निकाल, वो हम कचरा उठाते हैं ना उससे जल्दी ऐसे हाथ से होता है। मुझे वो करनी है सुबह शाम, वो बताइए मुझे। शाम पीछे को गिर जाए तो तेरे चोट लग जाए और कुछ नहीं होए। चोट भी नहीं लगेगी क्योंकि मिट्टी है। ले इसको डलवा दे, ऐसे मत कर, उसके मुंह पे मिट्टी लग रही है। अरे ऐसे मत करो, सीधा डाल ले इसके अंदर, बस मिट्टी है। थप्पड़ खा लेगा। ये देखिए हीरो हमारे आ गए। ये वो क्या बोलते हैं उसको, माइकल जैसन। अरे नहीं वो लड़ाई करता है ना, जॉन क्या नाम है उसका, जॉन सीना। हाँ जॉन सीना। ये देखिए जॉन सीना आ गया। ये ग्रीन पैंट होना चाहिए, ये किसी एंगल नहीं। जॉन सीना के पास ये, जॉन सीना पहले इस कलर की पैंट पहनता था ना। जॉन सीना अच्छा लगता है रेसलिंग में, है ना, रेसलिंग ही है ना वो। रात के बज गए हैं 8:15 और देखिए मैंने अपनी पूजा कर ली है और हस्बैंड जी ना अभी तक आए नहीं है। पता नहीं किस काम से मतलब रास्ते में रुक गए हैं, तो उन्हें शायद आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और बाहर ना पानी आ गया है, तो भुवनेश कृष्णा दे रहे हैं पौधों को पानी। और अभी मेरी सिस्टर का कॉल आया था, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ कि वो क्या कह रही है। कितनी देर से आई है, देर हो गई। कैसे देर हो गई है, 4 बजे का बोला, फिर बोल रही 5 बजे। तो सासू जी को छोड़ के आ जाते, अब सेट करने हैं और कुछ भी नहीं। अब एसवन जी के साथ आई है। एसवन जी कहाँ है, वो बाहर बैठे हैं। बाहर किसके पास, अंदर आके। ये दीपिका, दीपिका ने आज कौन सी फ्रॉक पहनी है, पिंक कलर की फ्रॉक एंड ब्लैक फ्रॉक पहनी है दीपिका ने। डंगरी, अच्छा ये डंगरी होती है क्या, डंगरी बोलते हैं वाले तो सूते। वो मेरे को पता नहीं, इसको डंगरी बोलते हैं सिका। हाँ अच्छी लग रही है साड़ी, पीली पीली मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं भी एक कलर फिर ऐसा कोई पीला लेके आऊँगी अपने लिए। तो देखिए रात के बज गए 9 और मैंने अपनी सिस्टर का देखिए ये हेयर स्टाइल किया है, अच्छे से दिखाना। ये देखिए ये वाला इसने ना खुद से ही पसंद किया है, खुद से ही पसंद करके आई थी घर से और बोला था मेरे को ये वाला हेयर स्टाइल कर दो, तो मैंने इसको ये वाला हेयर स्टाइल किया। अच्छे से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये पीछे कुछ एक्सेसरीज होती ना यहाँ पे कुछ लगाने को, तो और ज़्यादा अच्छा लगता, पर ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसका हेयर स्टाइल, हाँ थोड़ा घूमना, हाँ इसको देर हो रही है। हस्बैंड जी ना आवाज़ लगा रहे हैं कि जल्दी आओ। आप खाना खा लो, तो आपको मैं कट कर दूँ फिर कर दे। चीटिंग क्या क्या, रेड स्टडी गो कर दिया, भागना चाहिए था तेरे। रात के बज गए 10 और देखिए इतनी रात को मैंने अश्विन जी का ये कट किया। और मैं अपने ये सारे सामान समेट लेती हूँ, ये देखिए ये सारा सामान मेरा। और भुवनेश कृष्णा खेल रहे हैं बाहर, मैं अमर जी सो रही और इसने पहले यार मान ली। मैं रात में
इसकी शक्ल में मैंने भूल ही दिया, मैं तो डर लग गया। अब ये मैं तो डरा रहा था, ये बूम बूम कर रहा है। इसकी शक्ल देख के तो डर गया। तो आज का व्लॉग क्या करती हूँ मैं, यहीं पे एंड। मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ।